हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डबल डिजिट बिफोर एंड आफ्टर नंबर। बिफोर नंबर क्या होता है? किसी भी डिजिट के पहले आने वाला नंबर। और आफ्टर नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर के बाद में आने वाला नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिफोर नंबर। अब फर्स्ट डिजिट क्या लिखा है यहाँ पे? 14। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 14 के पहले क्या आता है? कैसे सीखेंगे? सबसे यहाँ पे मैंने लिखी है 0 से 10 तक काउंटिंग लिखी है मैंने। तो हम इसका डबल डिजिट में हम पीछे वन प्लेस देखेंगे, पीछे की डिजिट देखेंगे। ये क्या लिखा है? 4। अब यहाँ हम देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। 4 मैंने क्या बताया? बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले आने वाला डिजिट। तो 4 के पहले आने वाला डिजिट क्या लिखा है यहाँ पे? 3। तो यहाँ क्या आएगा? 1, 3। हमें पीछे की वन प्लेस देखनी है। तो 14 के पहले क्या आएगा? 13। अब ये सेकेंड डिजिट क्या लिखा है? 1, 9, 19। अब मैंने अभी आपको बताया था हमें डबल डिजिट में वन प्लेस देखनी है, मतलब वन प्लेस पीछे की डिजिट देखनी है। यहाँ क्या लिखा है? 9 लिखा है। 9 के पहले क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के पहले क्या आता है? 8। तो क्या लिखेंगे? 1, 8, 18। से आगे की डिजिट हमें सेम लिखनी है, पीछे की देखनी है। अब नेक्स्ट डिजिट देखेंगे हम 2, 3, 23। अब हम पीछे की वन प्लेस देखेंगे, क्या लिखा है? 3। तो 0, 1, 2, 3। 3 के पहले क्या आता है? 2। तो यहाँ आगे वाली डिजिट सेम लिखना है, पीछे वाली चेंज करनी है। 2। तो 2, 3 के पहले क्या आता है? 2, 2, 22। 23 के पहले क्या आता है? 2, 2, 22। अब यहाँ नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, क्या लिखा है? 2, 6, 26। अब हमें फिर से यहाँ की वन प्लेस देखनी है, ये क्या लिखा है? 6। तो यहाँ हम काउंटिंग में देखेंगे 6 के पहले क्या आता है? 5। तो 2 हमें सेम लिखना है और 6 के पहले, मैंने आपको बताया था बिफोर मीन्स आगे वाली डिजिट। तो 6 के आगे क्या आता है? 6 के पहले क्या आता है? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2, 5, 25। अब नेक्स्ट डिजिट हम देखेंगे, ये क्या लिखा है? 3, 2, 32। तो यहाँ फिर से हमें पीछे की डिजिट देखनी है, ये क्या लिखा है? 2। 2 लिखा है, तो 2 के पहले क्या आता है? 1। तो आगे की सेम डिजिट, देन 32 के पहले क्या आता है? 31। बिफोर मीन्स पहले, 32 के पहले क्या आता है? 31। अब यहाँ क्या लिखा है? 4, 4, 44। 4, 4, 44 में पीछे की वन प्लेस क्या है? 5। तो यहाँ 4 हम आगे का सेम लिखेंगे और ये 4 के बाद पीछे का डिजिट है 4। 4 के आगे क्या आता है? 1, 0, 1, 2, 3, 4। 4 के पहले क्या आता है? 3। तो यहाँ 44 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 43। मतलब 44 के पहले क्या आता है? 43। अब यहाँ हम देखेंगे 4, 9, 49। इसकी पीछे की डिजिट क्या है? 9। तो यहाँ देखेंगे 9 के आगे कौन सी डिजिट आती है, मतलब पहले कौन सी डिजिट आती है? 8। तो 4 सेम लिखेंगे और 9 के पहले क्या आता है? 8। तो क्या लिखेंगे? 48। अब नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, ये क्या लिखा है? 3, 4, 34। 4 के पहले क्या आता है? 3 हम सेम लिखेंगे और ये 4 पीछे की वन प्लेस क्या है इसकी? 4। तो 4 के आगे क्या आता है, मतलब पहले क्या आता है? 3। तो 3, 4 के पहले आता है 33। 34 के पहले क्या आता है? 33। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले आने वाला डिजिट। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में आने वाला डिजिट। आफ्टर मीन्स बाद में आने वाला डिजिट। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट हमारा क्या लिखा है? 11। 11 लिखा है, इसकी भी हमें पीछे की डिजिट देखनी है, ये वन प्लेस देखनी है। तो 1 हमने लिखा। अब यहाँ अपन देखेंगे 1 के बाद क्या आता है? 0, 1, 2। आफ्टर मीन्स बाद, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद। तो यहाँ 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब 1 के बाद क्या आएगा? ये क्या लिखा है? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो यहाँ 1, 1, 11 के बाद 1, 2, 12।
अब यहाँ नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, ये क्या लिखा है, 1313, 1313। अब इसमें भी हम वन प्लेस देखेंगे, ये क्या लिखा है, थ्री। वन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, आपको ये देखना है थ्री के बाद क्या आता है, जीरो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ क्या आएगा, फोर। थर्टीन के बाद क्या आता है, फोर्टीन। अब ये क्या लिखा है नेक्स्ट डिजिट, टू टू ट्वेंटी टू, तो मैं आगे की डिजिट ऑलरेडी लिख दे रही हूँ, अभी हमको एक डिजिट देखनी है, मतलब कि वन प्लेस देखनी है। अब हमें यहाँ देखना है जीरो वन टू थ्री, टू के बाद क्या आता है, थ्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थ्री। अब ट्वेंटी टू के बाद क्या आता है यहाँ पे, ट्वेंटी थ्री। अब ये क्या लिखा है, टू फाइव ट्वेंटी फाइव। अब आगे की डिजिट मैं लिख दे रही हूँ पहले से, लेकिन हम ये पीछे की डिजिट देखेंगे, पीछे की डिजिट से ही हम इजीली सीख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, फाइव, तो यहाँ देखेंगे वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद क्या आता है, सिक्स। आफ्टर मीन्स सिक्स, मैन सॉरी आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद वाले डिजिट, तो टू फाइव ट्वेंटी फाइव के बाद क्या आएगा, फाइव के बाद क्या आता है, सिक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिक्स। अब यहाँ पे लिखा है थर्टी थ्री, आगे का डिजिट पहले वाला मैं लिख दे रही हूँ, अब हमको पीछे का डिजिट देखना है, हम पीछे के ही डिजिट से कर सकते हैं वन प्लेस। थ्री के बाद क्या आता है, जीरो वन टू थ्री फोर, थ्री के बाद क्या आया, फोर, तो थर्टी थ्री के बाद क्या आता है, थर्टी फोर। अब ये क्या है, थर्टी नाइन, नेक्स्ट डिजिट है हमारा थर्टी नाइन, तो थ्री नाइन, थर्टी नाइन के बाद क्या आता है, यहाँ हम देखेंगे जीरो वन टू थ्री, मैंने आपको बताया आगे का डिजिट लिख लेना है हमको, लेकिन यहाँ थर्टी नाइन के बाद क्या आता है, हम जानते हैं फोर्टी, फोर्टी यानी कि ज़ीरो, ये डिजिट देखेंगे, नाइन के बाद क्या आता है, टेन, तो थर्टी नाइन के बाद क्या आएगा, फोर्टी। थ्री के बाद अगर हम ये देखते हैं, थ्री के बाद क्या आता है, अगर यहाँ पे नाइन दिया हुआ है तो हमको आगे की डिजिट देखनी है, तो थ्री के बाद क्या आता है, फोर, और नाइन का ये हो गया ज़ीरो। थर्टी नाइन के बाद क्या आता है, फोर्टी, और ये क्या डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट है 42। अब हम 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, जब हमारी डिजिट्स में 9 आता है तो हमें आगे की डिजिट देखनी है। अब नेक्स्ट डिजिट है 42, 40 का 4 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अब यहाँ देखेंगे 2 लिखा है, 2 के बाद क्या आता है, 0 1 2 3, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो यहाँ 42 के बाद क्या आएगा, 42 आफ्टर 43। अब ये क्या लिखा है, 46, तो 4 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अब पीछे का वन प्लेस देखना है हमको, ये क्या लिखा है, 6, 6 के बाद क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6, व्हाट्स कम आफ्टर 6, 7, ये क्या लिखा है, 7, तो 4 6 के बाद क्या आएगा, 7, यानी कि 46 का आफ्टर क्या होगा, 47। ये आज मैंने आपको बताया बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या होता है, किसी भी डिजिट के पहले आने वाला डिजिट, उसे क्या कहते हैं, बिफोर। और आफ्टर क्या होता है, किसी भी डिजिट के बाद में आने वाला डिजिट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।